लोग करवा रहे हैं एक अजीम और आलीशान जलसा। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपको सीन में बताऊँ तो मेरे पीछे ये मॉल चेक कर रहे होंगे। आप समझ रहे हैं शादी है, शादी वादी नहीं है भाई लोग, हम लोग करवा रहे हैं एक अजीम आलीशान जलसा। क्या बात है सर, मैं मेजर ताहिर इकबाल साहब और तनवीर असलम सेठी साहब भी आ रहे हैं। काफी माहौल होगा जी इंशाल्लाह आपको ये माहौल भाई। भाई लोग हम घर आ चुके हैं, खाना शाना खाएंगे क्योंकि आधे घंटे तक तकरीबन प्रोग्राम शुरू होगा और फिर आपको चेक करेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तकरीबन हम पहुंच चुके हैं जलसे में। अभी तक तनवीर साहब आए तो नहीं है, लेकिन चले आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बस पहुंचने में। जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह आपको उनकी एंट्री भी चेक कराएंगे और अंदर से जो माहौल बन रहा है उसका भी आपको पूरा व्लॉग में आपको चेक करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर तक वो पहुँच जाएंगे इधर चौसा दिशा में, आवाम का भी आ रही है या बस तैयारी में ही है, वो जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह और आप ठीक है जी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ले आए हैं। ये आप चेक कर ले जी, इतनी आवाम यार, इतना प्रोटोकॉल है इसके साथ, इतना ग्रेट बंदा है ये, आपको मैं क्या बताऊँ इसकी क्या बात है जी, बहुत प्रोटोकॉल है जी, बड़ा मज़े का बंदा है। बाकी आज की तकरीर आपको चेक कराते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी क्राउड है, ये आप चेक करें, काफ़ी माल है जी, लोग वीडियो बना रहे हैं। तशरीफ ले आया है, अब एक बार शहर डाले जाएंगे और काफ़ी मॉल है, एक आप चेक करें, वाजिबा मज़ा आ गया जी, आ गया जी शहर आ गया, क्या बात है जी, चेक करें जी, मज़ा आ गया, बिस्मिल्लाह जी आ गया जी, क्या बात है, क्या बात, ओहो अरे हो गया, ओहो हो, ये तो हमारे वहाँ पैसे लूट रही है, बस चले चले अंदर जाके आपको चेक कराते हैं, बस बाकी तो काम क्या, बहुत मज़ा आ रहा है।
हसन और मलक इमदाद, इनकी कागजों से ये हमने मिजाज सजाया है। हम मुस्लिम लीग नून के वर्कर और कारकुन हैं। हमारी कोशिश है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग नून को जिताएं और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो मुस्लिम लीग नून जीतेगी। मजीद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्याल का इजहार करें। भरपूर तालियों की गूंज में भाई को जल्दी के साथ अपने जो लोग हैं उनको फोन कॉल कराएं ताकि इनकी हुकूमत बने। जब इनकी हुकूमत बनेगी तो आगे छोटे मोटे मसले में शायद तो हल ही होंगे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती भी इस वक्त स्टेक लगी हुई है। अगर आप इनको वोट देंगे तो हम भरपूर तरीके से पाकिस्तान की दुनिया में जो है छोटे मोटे मसले में चल रहे हैं ज्यादा हल होंगे। तो इसके साथ में इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो उड़ गया। अहलियाने खुदा से बच्चा अस्सलाम वालेकुम। भाई बहुत बड़ा करने लग गया है, कोशिश करा कि इस थोड़े जगह टाइम में अपनी गल तोड़े तक अपना आगा। भाई जी इस तकरीब के हवाले नाल मैं सुल्तान अमीर साहब का जी कई बारे आते से आगे की तमाम टीम का बड़े काम कराए इन्होंने, ज्यादा शुक्रिया अदा करना है। बड़े थोड़े जे टाइम में उन्होंने एक अच्छा तकरीब का बंदोबस्त किया, तो सब बुजुर्ग दोस्तों नाल साड़ी मुलाकात हुई। बात तो सही है, उस बंदे ज्यादा गल्ला करने की जरूरत होती है जिसे माजी के बारे तुसा लोगों पता ना हो। अलहमदुल्ला इस तो पहले मेरा कॉल फेल और अमल थोड़े सामने कि अल्लाह ताला जो भी है इज्जत दी है तुसा मेरे ते इतमाद किया है, तो मैं कोशिश की थी है कि थोड़े इतमाद से पूरा होता। बिलखसूस चोहा सिकंदर शाह शहर के हवाले नाल मैं समझता कि जितनी मैं अपनी तवानाइयां इस्तेमाल कर रखता हाँ, मैंने दुख होता है जो चोहा सिकंदर शाह बादशाह इतों ताजरा का नुकसान होता है। अलहमदुल्ला अज जिस दिन तो चोहा सिकंदर शाह का नाला मुकम्मल होया है, इस पिछले 5 साल में 3-4 वाकये ऐसे आए कि अगर नाला ना बनया होता तो चोहा सिकंदर शाह शायद बहुत ज़्यादा नुकसान होता। मेरी सियासत तो पहले चोहा सिकंदर शाह बच्चों का डिग्री कॉलेज भी नहीं है, अलहमदुल्ला आज डिग्री कॉलेज भी बढ़ गया, बाईपासिस भी बढ़ गए। गल करने का मकसद है कि हर टीनियों ने कोशिश की थी चीज़ा अगे बढ़ाने की तरह। आज जी पार्टी चेंज का नारा लेके इस मुल्क पिछले 5 साल साढ़े जाया कर देते हैं। पहले अपने जिले और अपने तहसील की चेंज दसो कि पिछले 5 साल कोई ऐसी नुमाया चीज और दिखा देते हैं जी तहसील चोहा सिकंदर शाह या चोहा सिकंदर शाह शहर की खूबसूरती का सदा बनी हुई। एक अपने नौजवान नाल जो पीटीआई नाल वाबस्ता है उन्होंने गुफ्तगु की कि दसो मैंने कोई चंद गल्ला, तो उन्होंने कोई गल्ला नहीं है सिवाय इसके कि वो टुरदा बड़ा चंगा है, वो खेड़ियां बड़ी सोहनी पाता है, वो गल्ला बड़ी सोहनिया करता है। इसके अलावा अमली चीज कोई ऐसी चीज नहीं है जी मेरे नाल डिस्कस कर रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं इस प्लेटफॉर्म को दोबारा चोहा सिकंदर शाह के दोस्तों बुजुर्ग यकीन दहानी कराना कि 2018 जरा तरक्की का सफर छोड़े आया इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला सा मौका दिता तो उसी उतो ही असी अपने तरक्याती सफर का इंशाल्लाह आगाज करा। A few moments later. जब भी जलसे का इख्तिताम हो रहा है तकरीबन आप तंबीर साहब आ गए हैं, बच्चे फैन देख रहे हैं, जलसे में मिलने आए हैं, चले हम निकले हैं, तंबीर साहब को भी हमने मिलने हैं। गाइस वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, सीधे साहब से मुलाकात करते वक्त एक दो पिक्चर्स भी बना लिए। एमपीएस साहब तो आप चाय पियेंगे और फिर चले जाएंगे, वो भी आप भोटान की तरफ आना है। सारे शजाने हो चुके हैं, हम चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, बस इनकी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप जा रहे हैं वापसी, तो हम भी चलते हैं गाड़ी और घर जाके ब्लॉग को एंड करेंगे। मदक साहब भी अपना भी थक चुके हैं, हम बहुत ठीक है जी, तो आप चलते हैं नमाज पढ़। A few moments later. Guys, घर हम पहुंच चुके हैं, आपको मैं बताऊं तो काफी थक चुका हूं मैं भी। जो मैंने जलसा चेक कराया है नून लीग का, कितना मजे का जलसा था, आप देखा है आपने, तो सब ने अपने अपने बताया जी भाई हमारा ये काम नहीं हुआ, आप यार करा दें। एमपीए ने कहा जी इंशाल्लाह जरूर कराएंगे, तनवीर हसन सेठी बड़ा मजे का बंदा है, उन्होंने चोहा सिकंदर शाह के बारे में कितने बातें की भाई, मैंने ये काम करवाया, बाकी काम करवाया, आवाम ने सपोर्ट भी किया। मेरे को ये वीडियो मेरी नापसंद भी आई होगी क्योंकि वो है जी पीटीआई के, यार मैं खुद
न्यूट्रल हूँ। आज इनका जलसा था, नून लीग वालों का तो इनकी बना लिया है, कल अगर होता है पीटीआई वालों का तो उनके भी बना देंगे। मैं सबके साथ हूँ, ठीक है, मैं के साथ ही मैं सबके साथ हूँ। बाकी वोट देने की बात आई तो देखेंगे बाद में, वो आपको फिर बाद में बताऊंगा। कि आपको ये वीडियो देख के बड़ा मजा आया होगा, मुझे वाकई में खुद जाती तौर पर बड़ा मजा आया। ढोल छोल थे, घोड़ा डांस था, और जब वो तनवीर हुसैन सिद्दीकी साहब आए, आज ना होगा ये वीडियो देखकर पीटीआई वाले मेरे भाई हो, मेरे दिल से मोहब्बत आपके लिए। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह, इनकी भी देखें और आपकी भी इंशाल्लाह, पीटीआई वालों की भी बनाएंगे। परेशान आपने नहीं होना, सब लोगों के साथ हूँ मैं, एक बस बंदे के साथ नहीं हूँ जो है बिलावल भुट्टो। ओ कसम से जनाना ने पूरे पाकिस्तान का जनाना है, कसम का पता नहीं की करना है वो, दिल कर दिया बंदो सब फैर मार छोड़। तो आज के लोग यहीं पर अटकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरे चैनल को लाइक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जाते हैं तो ओके अल्लाह हाफिज़।